नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही बम्पर मुकाबला खेला गया नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। इंग्लैंड को जो है पहले बल्लेबाजी करने का न्योता भेजा था नीदरलैंड के कप्तान पीटर सीलर ने, और इस मुकाबले में जिस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाज ने इस न्योते को स्वीकार किया और उसके बाद जो धुलाई की है, ओहो, वो इतिहास बन गया। इतिहास बन गया इसलिए क्योंकि 26 छक्के लगाए हैं और 36 चौके जो है मिलकर इंग्लैंड की पूरी टीम ने लगाई है, और टोटल रन बनाए 498 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इससे पहले कभी नहीं बना था, और आगे चलकर अगर कोई तोड़ेगा भी ना इस रिकॉर्ड को, तो इंग्लैंड की टीम ही तोड़ सकती है, कोई और दूसरी टीम नहीं तोड़ सकती है। बताइए ना, मतलब वनडे मुकाबला खेला जा रहा हो और 500 रन आप बना रहे हो, लगभग में 2 रन से सिर्फ चूक गए आप। अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी होती रही तो लोग गेंदबाजी करना छोड़ देंगे, बोलेंगे भैया हम तो गेंदबाजी नहीं करेंगे और ना ही हम गेंदबाज बनना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी सब बोलेगा हम बल्लेबाजी बनना चाहते हैं। मतलब इतना ज्यादा अब जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी अटैकिंग खेलने लगे हैं, मतलब किसी को डिफेंस से कोई मतलब नहीं। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में तो और बिल्कुल भी नहीं है। अभी रेड बॉल फॉर्मेट, मतलब जो टेस्ट मैच खेला गया था ट्रेंट ब्रिज में दूसरा, वहां पे 77 बॉल में शतक मारे जॉनी बेयरस्टो, 148 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इंग्लैंड वाले अगर इस तरीके से खेलेंगे तो बाद में बाकी टीमें भी अपनाएगी वही रणनीति, और इसी पे चलता रहा तो फिर तो भाई क्रिकेट देखने का मजा ही अलग हो जाएगा, और हर कोई बोलेगा हम भी बल्लेबाज बनना चाहते हैं, भाई गेंदबाज नहीं बनेंगे। बहरहाल, आपको हम जो है इस मैच के पूरी इनिंग से रूबरू करवा देते हैं। मतलब अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम ने 498 रन बनाया 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें जॉस बटलर ने सबसे ज्यादा 162 रन की उन्होंने नवाद पारी खेली। 22 गेंदों में 66 रन लियम लिविंगस्टन ने ठोके, 6 छक्के जो है स्टन ने लगाए, मतलब लियम लिविंगस्टन ने लगाए। डेविड मलान ने भी शतक ठोका, 125 रन की पारी खेली इन्होंने, 109 गेंदों का सामना किया। फिलिप साल्ट ने 122 रन की पारी खेली, 93 गेंदों का सामना किया था, 14 चौके और 3 छक्के जो है फिलिप साल्ट ने लगाया, और सिर्फ ऐसा 3 ही मर्तबा हुआ है जब एक पारी में, मतलब एक पारी में, एक टीम की एक पारी में 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाया है, सिर्फ एक ही दफा ऐसा हुआ है। और इंग्लैंड ने तो किया ही किया है। साउथ अफ्रीकी टीम याद आती है मुझे, जब उन लोगों ने वेस्ट इंडीज को पेला था, बहुत ज़्यादा रगड़ा था। और एक और इंस्टेंस मुझे याद आता है, जब डिविलियर्स फाफ डुप्लेसी ने शतक ठोका था, वो वानखेड़े में जो मुकाबला हुआ था उसमें भी 3, और क्विंटन डिकॉक ने भी शतक मारा था। तो सिर्फ 3 दफ़ा ऐसा हुआ है, अगर कोई कई और भी दफ़ा हुआ होगा तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, लेकिन यही 3 रिकॉर्ड के बारे में मुझे याद है। बहरहाल, अगर आपने मैच देखा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने मैच नहीं देखा, इंग्लैंड की इनिंग्स नहीं देखी है अब तक में, तो जाइए यूट्यूब खंगालिए, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं पे इंग्लैंड वाले या फिर नीदरलैंड वाले अपलोड किए ही किए होंगे, जरूर आप इनिंग्स देखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स चौक के साथ, आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहेगा। धन्यवाद।